हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी फ़ोटो में आप स्मूथनेस और ब्राइट कैसे ला सकते हैं। ठीक है, ब्राइट अच्छा से वाइटनेस, जो बहुत सारा FB इंस्टा में आप लोग देखे ही होंगे फ़ोटो सब में कितना अच्छा से ब्राइटनेस और स्मूथनेस रहता है, तो उस टाइप का कैसे हम लोग एडिटिंग कर पाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, स्नैपशीट में जाना होगा, बस 2 मिनट का काम है। स्नैपशीट में जाके आपको सबसे पहले फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा जो फ़ोटो को आप एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको सेचूरेटेड, क्रोमा, अगर अच्छा कलर पसंद है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेंटुएट क्लिक करने के बाद वो थोड़ा देर में अप्लाई हो जाएगा। देखिए, ग्रीननेस और ज़्यादा ग्रीननेस, ब्लू और अच्छा से ब्लू आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये पसंद है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो नहीं अप्लाई मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए टिक आउटर ऑप्शन है, उसमें क्लिक कर दीजिए। फिर बीच वाला जो पेंसिल आइकन है उसमें क्लिक कीजिएगा, फिर सेलेक्टिव में जाइएगा। सेलेक्टिव में जाने के बाद उसके बाद आप लोगों को तो पता ही है ये रेड कैसे कम किया जाता है, तो ब्राइटनेस में हल्का बढ़ा देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को हल्का कम कर देता हूँ, सैचुरेशन को भी कम कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे ये भी हल्का हल्का सा कम कर देता हूँ, ब्राइटनेस को और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो चलिए, इतना होने के बाद मैं नीचे जो राइट क्लिक है उसको क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर आपका जो पेंसिल वाला आइकन है उसको फिर से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सेलेक्टिव में जाइए। सेलेक्टिव में जाने के बाद और हल्का हल्का जस्ट हल्का ब्राइटनेस में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इतना बढ़ाने के बाद आपको फिर नीचे राइट क्लिक, उसके बाद फिर सेलेक्टिव में थोड़ा जाता हूँ। आपको जहाँ जहाँ थोड़ा कमी लगे आप लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने ब्राइटनेस को हल्का बढ़ा दी। ठीक है, इतना होने के बाद आप लोग देख सकते हैं इतना एडिटिंग हो चुका है। ठीक है, ये पहले का और ये अभी का। इतना होने के बाद अभी स्मूथनेस कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले बीच वाला पेंसिल का आइकन को क्लिक करना होगा, डिटेल्स में जाना होगा। डिटेल्स में जाके आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं शार्पनेस को। ठीक है, तो मैं हल्का ओके, इतना करने के बाद सबसे नीचे ओके टिक आउट कर दिए। टिक आउट करने के बाद सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर बीच वाला पेंसिल वाला आइकन, फिर नीचे आएंगे तो देखिएगा लेंस ब्लर का ऑप्शन है। ठीक है, तो लेंस ब्लर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इसको दोनों उंगली से आप ऐसा छोटा कर दीजिएगा। ठीक है, छोटा करने के बाद सबसे नीचे आप ऐसा लेके आइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्लिक ओके, राइट क्लिक, अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये फ़ोटो में अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद सबसे ऊपर में देखिएगा, यहाँ ऊपर ओके एक एरो का ऑप्शन है, उसमें क्लिक कीजिएगा। उसमें क्लिक करने के बाद सबसे नीचे का सेकंड वाला व्यू एडिट्स लिखा हुआ है, उसमें क्लिक कीजिएगा। उसमें क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर देखिए लेंस ब्लर। ठीक है, मैं क्लिक किए, फिर डिलीट का बगल में आप लोग देख सकते हैं एक पेंसिल कलर का आइकॉन है, उसमें क्लिक कीजिएगा। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप फोटो को जूम कर लीजिएगा। ठीक है, फोटो को जूम करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लेंस ब्लर लिखा हुआ। ठीक है, आप उसको एरो नीचे कीजिएगा तो ये घटेगा और आप कीजिएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, 100 से नीचे करना हो तो नीचे, तो मैं रखता हूँ इसको 75 में। ठीक है, और फोटो को और थोड़ा जूम कर लेता हूँ और आपको इस टाइप का फेस का ऊपर में स्केच कर देना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि आपका अगर कहीं पे बाल अगर अच्छा से मीट नहीं रहा है तो उसके लिए आप इसको 100% कर दीजिएगा। तो 100% करने के बाद देखिए अच्छा से स्मूथनेस काम कर रहा है। ठीक है, और मीट भी रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा करके आप कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। तो मैं फाइनल आपको आउटपुट दिखाता हूँ, थोड़ा वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, इतना होने के बाद आप लोगों को
सबसे नीचे राइट क्लिक कर देना होगा। राइट क्लिक कर देने के बाद और आपको बस कुछ नहीं करना होगा, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सबसे टॉप में बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद आपको अगर थोड़ा बहुत अगर रेडपन है तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, बीच वाला आइकॉन फिर से सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सिलेक्टिव में जाइएगा। सिलेक्टिव में जाने के बाद सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ आपको ज़्यादा कलर रेड लग रहा है, उसका आप क्या कीजिएगा, हल्का ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा, कॉन्ट्रास्ट कम कर दीजिएगा, ठीक है, और सेचुरेशन को भी हल्का कम कर दीजिएगा। इतना होने के बाद आप नीचे सबसे नीचे देखिए राइट क्लिक, ओके, इतना देख सकते हैं पहले का फ़ोटो और अभी का फ़ोटो। तो ऐसे ही करके आप इस अपना फ़ोटो में स्मूथनेस और ब्राइट फ़ोटो एडिटिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपना फैमिली का। बाय बाय एंड टेक केयर।